हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 गणित विषय की वर्क बुक 2023-24 के आकलन 12 को हल करना सीखेंगे। बच्चों, आपकी वर्क बुक के कार्य पत्रक 1 से लेकर 71 तक सभी को मैंने बहुत अच्छे से हल करा दिया है। उनके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। देखो बच्चों, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि नारायण अपने प्लॉट के चारों ओर तार लगाना चाहता है। यदि प्लॉट की लंबाई कितनी है 30 मीटर और चौड़ाई कितनी है 20 मीटर, तो उसे कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी। देखो बच्चों, एक प्लॉट है जिसकी लंबाई कितनी है 30 मीटर और चौड़ाई कितनी है 20 मीटर। तो बच्चों, लंबाई और चौड़ाई दी गई है, तो लंबाई देखो ज्यादा है और चौड़ाई क्या है कम है, यानी बच्चों ये कैसा प्लॉट होगा, एक आयताकार प्लॉट होगा। तो बच्चों, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 गुणा 30 प्लस 20, तो 2 गुणा 50, तो कितना हो जाएगा बच्चों 100 मीटर। कितना होगा 100 मीटर, ठीक है बच्चों, 100 मीटर लंबे तार की उसे आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा प्रश्न है, पीयूष को अपने मेज के चारों ओर रंगीन टैप लगानी है, जिस कितनी लंबी टैप चाहिए इसके लिए उसे ज्ञात करना पड़ेगा। तो बच्चों, जो मेज है उस मेज के चारों ओर अगर उसे रंगीन टैप लगानी है तो मेज का परिमाप ज्ञात करना पड़ेगा। परिमाप का मतलब है चारों तरफ की माप ज्ञात करनी पड़ेगी, जितना परिमाप होगा उतनी लंबी टैप की क्या होगी बच्चों आवश्यकता होगी। आगे प्रश्न संख्या 3, यदि एक कद्दू 5 किलोग्राम का है तो बेल पर कुल कितने वजन के कद्दू लगे हुए हैं। कितने कद्दू लगे हुए हैं 3, एक का वजन कितना है 5, तो 3 गुणा 5 यानी कि 15 किलोग्राम, ठीक है, कुल कद्दू का भार कितना हो गया 15 किलोग्राम। चौथा प्रश्न है, निम्न में से चर राशि कौन सी है, चर का मतलब है परिवर्तनशील राशि, चर राशि का मतलब क्या है परिवर्तनशील राशि। तो बच्चों, परिवर्तनशील राशि कौन सी है, देखो बच्चों, पौधे पर पत्तों की जो संख्या है वो क्या है परिवर्तनशील है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, कमला 75 मीटर भुजा वाले वर्गाकार खेत के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है, तो बच्चों उस स्थिति में उसका परिमाप कितना हो जाएगा 4 गुणा भुजा, तो 4 गुणा 75 मीटर कितना हो जाएगा बच्चों 300 मीटर। दूसरा, सुरेश 50 मीटर लंबाई और 45 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार खेत के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो इसका परिमाप कितना होगा बच्चों 2 गुणा 50 प्लस 45, है ना, तो 2 गुणा ये कितना हो जाएगा 2 गुणा 95 यानी कि बच्चों 190 मीटर। अगला है रमेश, 52 मीटर भुजा वाले छठ भुजाकार, देखो सम का मतलब समान, छठ का मतलब 6, कितनी भुजा है 6 भुजा, तो 6 गुणा 52 मीटर, तो परिमाप कितना हो जाएगा बच्चों 312 मीटर, ठीक है। अब प्रश्न क्या है बच्चों, उपरोक्त तीनों स्थितियों को पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, किसके द्वारा अधिकतम दूरी तय की गई है, तो किसके द्वारा अधिकतम दूरी तय की गई है बच्चों रमेश द्वारा, किसके द्वारा रमेश के द्वारा सबसे अधिक 312 मीटर दूरी तय की गई है, ठीक है। दूसरा, तीनों द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात करके अवरोही क्रम में लिखो, कौन से क्रम में अवरोही, यानी बड़े से छोटे क्रम में, तो सबसे अधिक किसने तय की है रमेश ने 312 मीटर, उसके बाद कमला ने 300 मीटर और उसके बाद सुरेश ने कितना 190 मीटर, तो सबसे ज्यादा किसने तय की है रमेश ने, उससे कम कमला ने और उससे कम बच्चों सुरेश ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6, एक आयताकार चुनरी जिसकी लंबाई 3.5 मीटर और चौड़ाई 2.5 मीटर है कि चारों ओर गोटा किनारी बनानी है, तो आवश्यक गोटा किनारी की लंबाई ज्ञात करो, ठीक है। तो बच्चों, हम कहेंगे गोटा किनारी की लंबाई बराबर आयत का परिमाप, गोटा किनारी की लंबाई इसके बराबर होगी बच्चों आयत के परिमाप के बराबर, तो आयताकार चुनरी का परिमाप, आयताकार चुनरी का परिमाप, ठीक है बच्चों, 2 गुणा लंबाई कितनी है 3.5 मीटर प्लस चौड़ाई कितनी है 2.5 मीटर, तो बच्चों 2 गुणा दोनों की जोड़ करेंगे तो कितनी हो जाएगी 6 मीटर, तो कुल गोटे की लंबाई कितनी चाहिए 12 मीटर, कितनी चाहिए बच्चों 12 मीटर, ठीक है।
तो इस तरह बच्चों हमने आकलन पत्र 12 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।